नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। लोक जनशक्ति पार्टी का मन मिजाज गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज जैसी होती जा रही है। वह एनडीए सरकार में दिल्ली और बिहार के बीच की समरसता को पाट कर नया गुफा बनाने की सोच रही है, जिससे आसन विधानसभा चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिख रहा है। चिराग पासवान के तल्ख बयान से जदयू लोजपा की दूरी बढ़ती जा रही है। जदयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की हालिया बयान असहनीय सा हो गया है। केसी त्यागी ने भी साफ शब्दों में लोजपा से अनर्गल प्रलाप बंद करने को कहा है। इधर राजद ने चुटकी लेते हुए एनडीए गठबंधन के बारे में जनता के बीच तानातानी का मैसेज प्रचारित कर चुनाव फायदा उठाना चाहता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी अपने हाथ से लोजपा जदयू प्रकरण का मुद्दा निकलने नहीं देना चाहते हैं। जदयू के कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से चुनावी अखाड़े में उतर जाने का संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिया है। संपन्न वर्चुअल कीबोर्ड रैली संवाद को सभी चुनावी शंखनाद मान रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत इस जोन के लिए अभी लॉकडाउन की अवधि को 31 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पटना समेत सूबे के अन्य जिलों में सब्जियों के आसमान छूते दामों में सभी उपभोक्ता परेशान हैं। बीते दिनों बाढ़ के चलते सब्जी उत्पादक भी परेशान रहे। मंडियों में तथा खुदरा बाजार क्षेत्रों के लिए दाम का अनियंत्रित होना भी चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव रोकने की अर्जी पटना हाई कोर्ट में लगाई गई थी। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। कोरोना संक्रमण को आधार बनाकर जनहित याचिका दायर किया गया था। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुका है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 को 294 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर बिहार को सौगात देंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के हवाले से मीडिया को दी गई है। कांग्रेस ने भी बिहार की जनता के साथ वर्चुअल महासम्मेलन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस अवसर पर सांसद राज बब्बर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवालिया लहजे में बीते 15 वर्षों का हिसाब मांगा है। आज से बिहार में अनलॉक 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही होटलों में बैठकर भोजन करने की भी इजाजत दे दी गई है। सभी मॉल, धर्मस्थल, पार्क समेत दुकानों को खोलने की समय सीमा खत्म कर दी गई है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।